आपका YouTube का चैनल है, आपको कैसे पता? मैं अच्छा लगा ना? जैसलमेर, जैसलमेर की माँ बहन कर डालता भाई। बाय बाय। चालू रहते हैं हम गाइस। हम एक छोटा सा स्टंट परफॉर्म करने वाले हैं। हाँ तो गाइस, फाइनली हम अपनी कैंप साइट पे पहुंच चुके हैं जहाँ हमारे आज रात के कैंप सोने वाले हैं। और ये देखिए, ये रोड है मेन और ये हमारे कैंप है। ये जंज रिजॉर्ट है पता नहीं गाइस। देखिए ये है वो जगह जहाँ हमारी आज रात की नाइट है, हमारी मतलब नाइट स्टे है। और ये हमारा कैंप है, पर आपको नहीं दिख रहा होगा आई एम श्योर, क्योंकि पीछे सूरज आ रहा है। बट ये देखिए सारे ऐसे कैंप्स है। तो ऐसा सीन है, बाकी अभी हम निकल रहे हैं, हम ना वहाँ जा रहे हैं, पता नहीं ये हमें कुछ मतलब एक्टिविटीज़ करवाने ले जा रहे हैं। तो हम आज आके आपसे मिलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा क्या बनता है, काफ़ी सारी चीज़ें होगी। गाइस हमारी सवारी शुरू हो चुकी है, मेरे को ऐसा लग रहा है हम आ चुके हैं रेगिस्तान में। हमारी ऑडियंस हमारे साथ प्रमोद भाई। कैंप सब उड़ जाएगी। अरे क्यों यार, दोगी यही तो फील है, फिर ऐसे हल्के में क्या मजा आएगा। हाँ जी तो सुनो, चलो चलो खींचो खींचो, यहाँ 4x4 ही चलेगी बस। I got lost in time, I feel things that I can't seem to find my way to breathe. Need you by my side, I can't sleep at night. Let's get lost in time, leave it all behind. Guys, अब हमारी कैमल सफारी का टाइम आ गया है और अब हम चढ़ रहे हैं। अरे अरे बैठ जाए, आ जाओ जल्दी आओ। ऑडियंस ठीक हो आप? गिर तो नहीं जाओगे? पकड़ लेना, देखो पलटा देगा जब मर्जी। क्या नाम है भैया? क्या अली अली भाई इसका, और इसका क्या नाम है? अली भाई राजू को लेके और मार्टिन शर्मा और प्रमोद भाई को लेके कमाल करते हुए। अली भाई ने इसका नाम राजू ही क्यों रखा? हाँ बताओ अली भाई, ये भी एक वो है क्वेश्चन है हमारा कि आपने इसका नाम राजू क्यों रखा? ओए राजू प्यार ना करियो, दिल टूट जाता इसलिए। अली भाई कह रहे मेरे पास जवाब नहीं था, पर आपने बढ़िया जवाब निकाल लिया। आपको कैसे पता? मेरे को देख के पता चल गया आपको। थैंक यू अली भाई। हाँ मेरा है साइकिलिंग ऑन नथिंग के नाम से, प्लीज सब्सक्राइब इट प्लीज। अरे नहीं नहीं हम बोलेंगे आपको थैंक यू, आप मत बोलो यार प्लीज। ये देखिए गाइस पीछे व्यू देखिए, सनसेट हो ही गया फाइनली। राजू के ऊपर बिठा के राजू ने बढ़िया करवा दिया। हाँ जी राजू छूलने भाई, राजू तेरे को राजू मेरी जान। अरे अरे कोई दिक्कत नहीं मेरी जान राजू, हमारी राइड जो मजा आया आपके साथ राजू, उसी में ही है ना, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। अच्छा लगा। एक तो है ना विचार हो ना किधर है, तो पहले आप बैठो। वो चार घुमाया ही बिजा चक्कर, एक तो पहले कपल है सारियों ने बे आन बिजो तो मना पता कोनी नहीं, दो बिजा घुमा दो ध्यान रखने इसके सूचना में। हां वो घने दिन आगा करा है रे मैं कनी बोल। गाइज मैं फिर से राजू की सवारी करने की कोशिश पे हूँ, पर अब बस गिरूँ ना। और अली भाई इस बारी कैमरा संभाल रहे हैं और मुझे शूट करेंगे, अपने आप को शूट करेंगे और पूरा रेगिस्तान शूट करेंगे। तो अब मैं बैठ रहा हूँ और आप मेरे को प्लीज़ बैठ कर दिखाओ। कैसा लग रहा है? सेक्सी बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। राजू ने कमाल कर दिया।
राजू यार मेरे से तो प्यार कर यार, वैसे किसी से प्यार मत करियो, मेरे से बहुत प्यार कर यार प्लीज, मुझे तो हो गया भाई। राजू का चेहरा देखो बढ़िया से, आंख भी देखो, राजू भी हाय कर रहा है। हाय कर रहा है? हाँ जी। अरे हाय, अरे राजू आराम से। हाँ बढ़िया भाई। तो राजू मेरे को तूने अकेले को जो राइड दी है ना, भगवान की कसम आराम से यार। राजू मेरी जान, क्या बात है राजू, कमाल। एक राजू के साथ ऐसे अरे अरे नहीं कुछ कह रहा जान। गाइज मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो अली भाई थे जिन्होंने अभी मुझे कैमल राइड करवाई दो बार राजू के साथ, तो मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर कोई भी कभी भी जैसलमेर आता है तो वो अली भाई से कॉन्टैक्ट करे और राजू के थ्रू ही राइड करे, और किसी के थ्रू मुझे नहीं लगता कि राजू से बेटर कोई राइड दे पाएगा और अली भाई से भाई ज़्यादा कोई असिस्ट कर पाएगा। बढ़िया, एक बार मैं अली भाई को भी लेना चाहता हूँ। ठीक है अली भाई, आप अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं इस पर डाल दूंगा रिसेप्शन में। अगर कोई भी फिर आगे मेरा फॉलोअर आता है तो आप उसको राजू की राइड करवाना, और आप पूछ जरूर लेना कि मेरे उससे आए हुए जो भी है तो आप पूछ के। ठीक है, ओके, ठीक है अली भाई। ठीक है गाइस, गाइस हम यहाँ से निकल रहे हैं। कैमल सफारी हो गई, जीप सफारी हो गई। अच्छा लगा राजू से मिला, बहुत अच्छा लगा गाइस। और मेरे लिए नहीं, राजू के लिए सब्सक्राइब करो यार प्लीज। अब ये समझ लो आप, ये वो इंसान नहीं पीता अगर पीता। हाँ ठीक है, जैसलमेर 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 की माँ बहन कर डालता भाई। जैसलमेर की माँ बहन कर डालता अगर पीता होता था। कुछ नहीं करता है तो हमारी माँ बहन कर दी तीन लोगों की। मैं बहुत बड़ा कमीना था, मैं मेरे ऊपर है ये ना, 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 बोल रहे हैं ना, नहीं मेरे ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है। मैं बहुत बड़ा कमीना था और मेरे तीन मेरे दो दोस्त मेरे साथ, हम तीन कमीने थे लेकिन हम अपने आप को शरीफ समझते थे। लेकिन इस बंदे से मिलने के बाद हमने जान लिया कि हम शरीफ ही हैं। हम शरीफ हैं क्योंकि हम तीन पे भारी पड़ गया भाई। ठीक है गाइस, मिले आप हमारे निसार हो गया से और गायक हमारे गायक साहब, बाकी अब बस सो रहे हैं हम। गुड मॉर्निंग गाइस, और हमारे लास्ट डे की यहाँ पे जैसलमेर में सुबह हुई और यहीं से रिजॉर्ट से ही जाम रुके थे। क्या नाम है इस रिजॉर्ट का? जंज रिजॉर्ट। जंज रिजॉर्ट, और ये हमारे गनी भाई हमें मिले, और गनी भाई ने कल रात को हमारा, कल दिन से ही मतलब भाई के साथ बैठा तो थोड़ा वाइब्स मिली भाई से और बकचोदी करी हमने साथ, नाचे वाचे, और किसी के साथ भाई नाचे नहीं, मेरे साथ ही नाचे। और भाई ने रात को मेरे को यार खाना डाल के दिया, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और गाइस बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, पहले तो गनी भाई आप बताओ यार अपने बारे में। जी मेरा नाम है गनी भाई, मैं यहाँ जंज रिजॉर्ट में काम करता हूँ, और यही सैलरी मिल जाती है, अच्छे खासे गेस्ट आते हैं, बढ़िया सर्विस हो जाती है, एकदम खुश होकर जाते हैं। हमारे रिजॉर्ट बहुत अच्छा है, कम रेट में मिल अपने जाते अपने बारे में बताना है, रिजॉर्ट के बारे में नहीं। बाकी भाई जैसलमेर से ही बिलोंग करते हैं, मैं यहाँ का प्रॉपर हूँ, जैसलमेर का यहीं पर रहता हूँ। 19 साल का ये हमारी यहीं ड्यूटी है, लग रहा देख के 19 साल का लौंडा है, पर ठीक है, बढ़िया है, अच्छा लड़का है, शरीफ लड़का। थैंक यू भैया। और बाकी गाइस मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा, यहाँ देखो ये जो टेंट दिख रहे हैं आपको हमारे पीछे, ये इस साइड जो है ये है लग्जरी टेंट डीलक्स, और ये जो इस साइड है ये है सुपर डीलक्स, और कुछ कितने हैं वीआईपी जो है वो कितने? चार वीआईपी टेंट, चार वीआईपी, मतलब तीन कैटेगरी है, डीलक्स सुपर डीलक्स और वीआईपी। और उसका प्राइस मतलब मेरे हिसाब से अगर देखो, हमने तो पैकेज ले लिया था, फिर हमें जब हम यहाँ आए तो हमें गनी भाई ने बोला कि अगर नेक्स्ट टाइम से आप आओ तो सीधा आप रिजॉर्ट में आके अगर करोगे तो आपको अच्छे रेट्स मिल जाएंगे। तो मैं हो पाए तो गनी भाई का नंबर उस पर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो अगर कभी भी किसी का अगर आगे जैसलमेर आने का जरूर, प्लान बनेगा आपने यहाँ डायरेक्ट आना। हाँ। सर्विस बहुत अच्छी मिलेगी, सर्विस तो भाई मिलेगी, कोई दिक्कत, और मेरा नाम लोगे तो डबल सर्विस अच्छी मिलेगी। हाँ जी हाँ जी, भाई के नाम पे डबल सर्विस। बाकी ठीक है यार गनी भाई, जैसे भी होता है मिलते हैं अब नेक्स्ट जरूर जरूर, और कोई आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन पे वो डाल रहा हूँ नंबर, तो कोई भी आएगा तो यहीं रुके और भाई से मिले, क्योंकि भाई यार एक नंबर है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके ठीक है गाइस, मैं आपसे अब होटल पहुँचता हूँ, फिर मिलता हूँ जैसे भी होता है। भाई लव यू बोल रहे, भाई लव यू टू ब्रो। गाइस हम अपने होटल पहुंच के थोड़ा यार थक गए थे ना, तो इसलिए थोड़ा सोए हुए, फिर उसके बाद उठ के अब नहा धो के निकले हैं बाहर, मैं प्रमोद भाई और विकास भाई, हमारे यू नो कांचा बॉय जो हर चीज़ सूट करती है भाई पे, वही वाले भाई हैं। बाकी अभी हम यहाँ से एक और डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, आज की हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है वॉर म्यूजियम, तो हम वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं। और यहाँ से हमने रेंट पर ले लिया ये बुलेट, और ये कौन सी स्कूटी बताई थी, होंडा ना भी मेरे को नहीं पता, पहली बार है, पर ये मेरे को चलाने को मिल रही है तो सही है, मज़ा आएगा, देखते हैं नया एक्सपीरियंस होगा। Oh,
don't imitate or try this at home, you know. Please don't. वैसे मैं इसलिए ही कर रहा हूँ यार क्योंकि सड़क खाली है, वरना तो आपको पता ही है मैं पूरे गियर्स के साथ ही चलता हूँ। आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे ही होंगे, नहीं देखे तो देख लो जाके। अरे 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 बाय बाय बाय, ठीक है गाइस। हाँ तो गाइज़ हम फाइनली जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम, जिसको हम JWM के नाम से भी जानते हैं, उसके अंदर आ चुका हूँ। और आप मेरे पीछे देख लीजिए, और मैं थोड़ा चुप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ वीडियोस बनाना ऐसे अलाउड नहीं है, तो इसलिए आप बस मैनेज करिए। मेरी चकल देख के आपको लग रहा हो मैं कितना डर रहा हूँ, पीछे देखिए ये कितना सही लग रहा है। अभी यहाँ पे ना बहुत सारा, मतलब मैंने जो भी मैं कैप्चर करूँगा जैसे भी होगा थोड़े थोड़े शॉर्ट्स में डाल दूँगा, तो आप देख के इन्जॉय करना। और ये इंडिया का फ्लैग देख लीजिए, और ये हमारे कांचा भाई पोज देते हुए। I'm trying not to let go of my pride, but every time you come back it's like falling down these lies again. This feeling that I have deep down inside, I just wanna be the one you need. And now I need you by my side, I can see. हाँ तो गाइस फाइनली हम अपना खाना पैक करवा रहे हैं, अपने लास्ट हमारा डिनर हो रहा है यहाँ, और हम जा रहे हैं बस। इसके बाद खाना वाना खा के उसके बाद फिर ट्रेन पकड़ेंगे, 3 बजे की ट्रेन है, तो आपको ट्रेन में ही सी ऑफ करेंगे। आपसे अपने सबसे भाइयों से मिलवाएंगे आपको, जो 3-4 दिन पहले तक शायद मैं जानता भी नहीं था इनको और कोई नहीं था, पर हाँ अब मेरे को लग रहा है कि हाँ मेरे भाई है कुछ, पूरी दुनिया में हर जगह हर कोने में कुछ ना कुछ है, ठीक है ना। और एक हमारे कांचा भाई है, एक हमारे निसार भाई है, और एक हमारी ऑडियंस प्रमोद भाई, प्रोमोड भाई हैं, प्रोमोड आप सही है। और अभी हमने यहाँ से क्या पैक करवाया, चलो जो भी पैक कराया आप क्या ही करोगे, हम खाएंगे, हमें खाने दो। गुड मॉर्निंग गाइस, और हम निकल चुके हैं जैसलमेर से ना दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। और हमारे साथ जो थे हमारे 3 भाई, उनमें से 2 भाई मतलब ना थोड़ा उनके साथ ट्रेजेडी हो गई थी, वो भी हमारे साथ प्रोमोड भाई है, वो बताएंगे आपको क्या ट्रेजेडी हुई है। तो अब आप मतलब अब वैसे आप जयपुर जा रहे हो, फिर वहाँ से थोड़ी देर वहाँ घूम के फिर वहाँ से या तो ट्रेन या फिर बस से अपना बरेली, है ना, सही है। और फिर कल से अपना ऑफिस। गाइस ये देखिए आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं, ये देखिए पीछे माउंटेन्स है, बादलों के बीच में आपको अभी नज़र नहीं आ रहे, वो मैंने आते हुए जो आपको वीडियो बनाई थी वो वही वाले माउंटेन्स है। पर अब देख लीजिए कहाँ रुकी है, वे कौन सा ये स्टेशन, दोराई, दोराई लिखा हुआ है यहाँ, तो ये पता नहीं इनको दिख रहा होगा या नहीं, पर ये दोराई। और ये गाइस ये इनकी हालत देखिए यार, थोड़ा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है लोगों से, मतलब अपने आप से भी है थोड़ी बहुत, बट बाकी सबसे भी है कि ये थोड़ा यार यहाँ पर थोड़ा इसको गंदा ना करें, और थोड़ा इस पर थोड़ा मतलब अपने पास रखे, उसके बाद जब डस्टबिन देख के तभी उसी में ही डाले, क्योंकि अब ये देख लीजिए कितने मतलब वैसे कितना सुंदर लग रहा है कि अगर नॉर्मल यहाँ पे बंदा फोटो शूट वगैरह या कुछ भी करवाए, बट यहाँ पे वैसे देख लीजिए कितना मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो ये कचरा वचरा पड़ा है, सिर्फ इस वजह से यहाँ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, बाकी तो अच्छा ही है आपको दिखाया मैंने, बट ठीक है थोड़ा ध्यान रखिएगा गाइस। अरे ये आवाज़ कहाँ से आई गाइस, हम एक छोटा सा स्टंट परफॉर्म करने वाले हैं यहाँ स्टेशन पे जहाँ रुकी है दोराई, भी मैंने आपको बताया मैं और प्रोमोड भाई, तो ठीक है आइए प्रोमोड भाई। जल्दी खड़े हो यार, एक मेरी भी लो ऐसी। चलो चलो जल्दी चलो, बारिश हो रही है और भीग जाएंगे और ट्रेन में चली जाए। ये पकड़ना चालू है क्या? हाँ हाँ चालू रहते हैं हम, चालू कंपनी चालू। गाइस हम फाइनली जयपुर पहुंच गए हैं, और हमारे निसार भाई और हमारे प्रोमोट भाई जा रहे हैं हमें छोड़ के, और हमारे साथ इनका सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। फिर अब नेक्स्ट जब भी मिलेंगे मैं आपको बिल्कुल मिलवाऊंगा, ठीक है प्रोमोट भाई, ठीक है बाय, बाकी मिलना यार प्लीज़ जल्दी, ठीक है निसार भाई के फ़ोन ही नहीं सांस लेते, ठीक है निसार भाई बाय कर दो।
ठीक है, नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द मिलते हैं। और कोई दिक्कत मेरी तरफ से कभी रही हो तो सॉरी, ठीक है? अपना सामान देख लियो, उनके पास ही बैठ जाओ, सामान रखा हुआ है। ओके अपना सामान उन्हीं के साथ जगह पे डालो। ठीक है गाइस, अब वापस चलते हैं हम अपने कोच में। हाँ तो फाइनली गाइज, आपसे बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है क्योंकि हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। और दो भाई जो थे हमारे, निसार भाई और प्रमोद भाई, वो तो जयपुर पे चले गए थे, मैंने आपको मिलवाया था अभी। और अब मेरे जो मेरे साथ बच्चे हैं, कांचा भाई, मतलब प्यार से बोलते हैं हम उनको कांचा भाई, पर वैसे उनका नाम है विकास, और बरेली से ही थे तीनों। तो और कैसी थी मेरी जर्नी, मतलब सोलो ट्रिप पे सोचा था कि मैं निकलूंगा, बट फिर भाई मिले और फिर भाई के साथ ही मेरी पूरी ट्रिप गई। और आओ एक बारी विकास भाई आओ। कैसी थी वैसे आपकी जर्नी? सही थी, बढ़िया। मैं अच्छा लगा ना? बहुत बढ़िया, पक्का बता। नहीं यार, और गाइस हमारा, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा फिल्म एक बारी पूरा मतलब ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले गए थे पटवा, नहीं गड्डेसर लेक, फिर पटवा हवेली, फिर उसके बाद फोर्ट, फिर डेजर्ट, रात वहीं अपना, फिर उसके बाद अगले दिन आके दोपहर तक तुमने सोए हुए थोड़ा रेस्ट किया, फिर उसके बाद वॉर म्यूजियम। तो वही, और वॉर म्यूजियम की क्या हिस्ट्री थी वहाँ पे, वो जो लोंगे वाला का बैटल हुआ था 1971 में, उसके बारे में बताया हुआ। और वहाँ पे टैंक्स है, वो इंडिया के भी है, मतलब टैंक्स और पाकिस्तान के भी टैंक्स है, क्योंकि वो मतलब वहाँ पे जो पाकिस्तान जिनसे बार मतलब लड़ाई इंडिया जीती थी, तो बार जो इंडिया मतलब ऑब्वियसली जीत गई थी उसमें, तो जो पाकिस्तान वाले डर के मारे ऐसा ही कुछ था जिस हिसाब से वो बता रहे थे कि वो भाग गए थे, और उनके जो टैंक्स बचे थे तो उनको वहाँ पे रखा हुआ। और मतलब बहुत अल्टीमेट जगह, आप एक बारी अगर जैसलमेर कभी भी आए तो वॉर म्यूजियम ज़रूर जाइएगा, जैसलमेर वॉर म्यूजियम वहाँ जाना बिल्कुल नहीं भूलेगा। टिकट भाई अपना 50-100 रुपए, हाँ 100 रुपए की टिकट थी। और कभी भी अगर जैसलमेर आओ तो 2-3 दिन से ज़्यादा का मतलब वो मत ट्रिप बना के आना, क्योंकि 2-3 दिन में आप निपटा लोगे आराम से जैसलमेर, एक दिन सिटी और एक दिन पूरा डेजर्ट, पूरा जो भी सफारी करनी है आपको। और पैकेज मत लेना, बस होटल में स्टे करना, उसके बाद जहाँ पे भी आप जाओगे बस वहाँ जाके ही, वो तो मैं आपको खैर बता चुका हूँ, जहाँ जैसे डेजर्ट में जाके ही वहाँ पे जो मतलब वो होते हैं कैंप्स वगैरह, वहाँ जाके खुद बात करना कैसा लगा वो तो आप बताइएगा ही मुझे। बाकी फिर मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ, प्लीज़ बने रहिएगा। ठीक है गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग।